गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माई स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम ऑन माई चैनल इंग्लिश लिटरेचर अकेडमी। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको प्रिपरेशन करा रही हूँ UGC NTA NET की। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर वो चाहे TGT हो, PGT हो या GIC का एग्ज़ाम हो, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मेरी वीडियो को इसको बिना स्किप किए आप पूरा देखिएगा, क्योंकि आज एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ जो है वो कवर करने वाली हूँ, वो है सिलेबस हमारा। TGT और PGT के सिलेबस में हमें किन ऑथर्स एंड उनके वर्ड्स को जो है वो कवर करना है, और प्लस हमें उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं जिनकी स्टडी करनी है। तो फिलहाल हमें इसी सिलेबस को देखते हुए अपनी स्टडी को कंटिन्यूस रखना है। चलिए इसी के साथ अब बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर फरहत परवीन आप लोगों के साथ इंग्लिश लिटरेचर अकेडमी से। चलिए अब देखते हैं हम सिलेबस ऑफ TGT PGT। सिलेबस ऑफ TGT PGT का जब तक हमको पता नहीं होगा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कितना सिलेबस कवर करना है। हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमें पढ़ना क्या क्या है। तो इसे सिलेबस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एंड नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे जो दो पार्ट्स हैं आगे चल के और डिवीज़न हो रहा है इनमें। तो हम पहले देखते हैं कि हमारे कौन से दो पार्ट्स हैं जिसमें हमारा जिसमें हमारा TGT और PGT का जो एग्ज़ाम है उसके इंग्लिश लिटरेचर को डिवाइड किया गया है। उन टू पार्ट्स की हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी आती है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में जैसा कि आप जानते हैं पूरा ग्रामर पोर्शन होता है, और ग्रामर पोर्शन में आज तक आपने जितना पढ़ा है, जैसे प्रीपोजिशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, एंड नेक्स्ट इज द सिनोनिम्स, आइडम्स, फ्रेजेस, इसी तरह की आप चीज़ें जो पढ़ते आ रहे हैं उन सारी चीज़ों को आपको कवर करना है। इसमें सबसे पहले आता है हमारा अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रीहेंशन। ये आपको अच्छे से क्लियर है कि हाँ कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन आते हैं अनसीन पैसेज से। उसके बाद आएगा बी पार्ट में आपके पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच का आप जानते होंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, और इसके अलावा जो आपके इंटरजेक्शन होते हैं, एक्सक्लेमेटरी होते हैं, वो सब आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट्स होते हैं। इस तरह से आप उनको कवर करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका स्पेलिंग, यानी आपका जो रीऑर्डरिंग करके जो सेंटेंसेस आते हैं कि आप ऑर्डर में लगाइए पूरे सेंटेंस को, वो स्पेलिंग में आ जाते हैं। या फिर इसके अलावा बात आती है जिसमें हम मिस स्पेल्ड कर देते हैं, तो उसमें स्पेलिंग को करेक्शन कराया जाता है। इस तरह के आते हैं इसमें क्वेश्चंस। पंक्चुएशन आता है कि कहाँ पे आपको पंक्चुएशन यूज़ करना है, और कहाँ पे आपको कोई कोमा, फुल स्टॉप या कॉलम या सेली कॉलम जो हम लगाते हैं, तो यही सब चीज़ें हमारी पंक्चुएशन के अंडर में आती हैं। नेक्स्ट बात आती है वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी जैसा कि आप जानते हैं कि वोकैबुलरी अपने आप में एक बहुत ब्रॉड मतलब जो है टॉपिक है, इसे आपको कवर करना है। जितनी अच्छी आपकी वोकैबुलरी होगी उतना अच्छा आप अपने क्वेश्चंस को कवर कर पाएंगे और उसमें सही ऑप्शन आप लगा पाएंगे। तो वोकैबुलरी पे आपको ध्यान देना है, जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और आपके आ जाते हैं जैसे कि फोनिम्स आते हैं इसमें, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। टेंसेज आते हैं, आपको पता ही है कि टेंसेज हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं। नरेशन आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन है, प्रीपोजिशन है, यूसेज, प्रीपोजिशन यूसेजेस आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन एंड एग्रीमेंट, ये पोर्शन आता है, आइटम्स एंड फ्रेजेस आते हैं। ये तो हो गई लैंग्वेज की बात, बाकी इसके अलावा और क्या आता है? अगर हम बात करें तो सेकेंड पार्ट में आता है लिटरेचर। इट इज़ डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट इज़ द लैंग्वेज एंड सेकेंड पार्ट इज़ द लिटरेचर। लिटरेचर में हमें कौन से टॉपिक कवर करने हैं, अब बस इस पर हमें ध्यान देना है। लिटरेचर में कौन से ऑथर, उनका वर्क हमें कवर करना है, हमें इस बात पे ध्यान देना है। दूसरी चीज़ जो मैं आज आपके लिए कंटेंट लेकर के आई हूँ इस वीडियो में, वो बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए। क्यों? क्योंकि मैंने कैटेगरीज डिवाइड कर दी। पॉइंट हमारे पास कौन से हैं, नॉवलिस्ट कौन से हैं, और एसिस्ट कौन सा पूछा गया है। जो TGT PGT का सिलेबस है, अगर हम उसमें ये डिवीज़न कर लेते हैं बहुत अच्छे से कि हमारे पास पॉइट कौन से हैं और उन्होंने किस तरह की पोएम्स लिखी, और प्लस हमारे पास जो नॉवेल है वो कौन से हमारे ऑथर हैं जिन्होंने नॉवेल को लिखा गया, और वो एसिस्ट कौन सा है जिसने एसे को लिखा। अगर ये चीज़ें आपको कम से कम ये चीज़ें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे यहीं कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि अगर हम बात करें चार्ल्स डिकेंस की, तो बच्चे सोचते हैं जो कि अभी फ्रेशर हैं या फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन्हें
बड़ी दिक्कत आती है कि चार्ल्स डिकेंस पोइट था या फिर नॉवलिस्ट था। अगर वो इसी चीज़ को, जैसे मैंने आपके सामने ये अपनी जो इस वीडियो में मैंने दिखाया है कि किस तरह हम कैटेगरीज डिवाइड कर सकते हैं, पोइट की कैटेगरीज आप अलग कर दीजिए, नॉवलिस्ट की कैटेगरीज अलग कर दीजिए, जो एसिस्ट है उनका आप अलग कर दीजिए। जब आप इस तरह से डिवीजन कर देते हैं अपने ऑथर एंड वर्क्स में, तो आपके लिए आसानी हो जाती है और एग्ज़ाम क्वालिफाई करना भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लिटरेचर पार्ट्स को। ए पार्ट में हम देखेंगे फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर एंड फिगर ऑफ स्पीच। हम इसके अंदर देखेंगे फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर और प्लस फिगर एंड स्पीच। ये आपको अच्छे से पता है कि हमें इसमें क्या पढ़ना है। अब बात आती है हमारे ऑथर्स एंड वर्क्स की। फोकस हमें सबसे ज़्यादा, अगर हम बात करें तो क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं और करना भी चाहिए इस पर। ऑथर्स एंड वर्क्स की अगर हम बात करें तो पहले हम पॉइंट को डिवाइड करते हैं। पॉइंट का डिविज़न करने के बाद हमें पता चलता है कि हमारे कितने पॉइंट्स हैं, प्लस उनकी क्या क्या पोएम्स हैं। पोएम्स लिखी तो क्या लिखी, पेस्टोरल इलेजी लिखी या फिर इलेजी लिखा या सोनेट लिखा। जब हम इस कैटेगरी को डिवाइड कर लेंगे तो हमें आसानी रहेगी क्वेश्चंस का आंसर सही अपने ऑप्शन तक पहुंचने में। अगर आप अपने सही ऑप्शन तक पहुंच जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप फिर एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में कहीं भी पीछे नहीं रहेंगे और आप अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे। चलिए इसमें देखते हैं, हम सबसे पहले हमारे पास आते हैं विलियम शेक्सपियर, फिर आते हैं जॉन मिल्टन। अब बात करते हैं विलियम शेक्सपियर की। विलियम शेक्सपियर ने सबसे ज़्यादा सोनेट लिखे, तो इसलिए इनको ही वाज आल्सो कॉल्ड द सोनेटियर, इसलिए इनको क्या कहा जाता था, सोनेटियर भी कहा जाता था। और ये तो आप जानते ही हैं, ट्रेजेडी लिखने के ये कितने माहिर थे, कॉमेडी लिखने के कितने माहिर थे, कितने अच्छे ये ड्रामेटिस्ट थे, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे प्ले लिखे, ये आपको एज यूजुअल पता ही है। तो अगर हम बात करें विलियम शेक्सपियर की, तो विलियम शेक्सपियर के अंदर जो उनका वर्क है वो दो कैटेगरीज हैं, सोनेटियर हैं यानी उन्होंने पोएम्स भी लिखी, सोनेट लिखे, प्लस उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने प्लेज लिखे। बस इस बात को ध्यान रखें, प्लेज या ड्रामाटिस्ट हैं वो, ड्रामे लिखे उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे। और ये मैंने प्रीवियस वीडियो में अपनी डिस्कशन भी किया है कि विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ कौन सी है, मोस्ट पॉपुलर ट्रेजेडीज़, मोस्ट पॉपुलर कॉमिक प्लस ट्रेजेडीज़ कौन कौन सी हैं, तो ये डिस्कशन मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में कर चुकी हूँ। आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको मदद मिले अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये तो विलियम शेक्सपियर की बात है। जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन का भी कैटेगरी इन्हीं की तरह है, ये भी बहुत अच्छे सोनेटियर थे और प्लस पोएम लिखते थे। तो आप जॉन मिल्टन को इसी तरह से मानिए कि ये सोनेट लिखने वाले सोनेटियर थे और प्लस पोएम भी लिखते थे, तो जॉन मिल्टन को भी हम इस कैटेगरी में अपना जो है रखते हैं। उसके बाद आती है थर्ड जो नंबर पे आते हैं हमारे, वो आते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोएम तो लिखी, लेकिन साथ में ये सबसे ज़्यादा मशहूर किस बात के लिए हुए, ये सबसे ज़्यादा फेमस हुए प्रिल्यूड लिखने के लिए। प्रिल्यूड क्या है, प्रिल्यूड वो है जिसमें शॉर्ट स्टोरी शॉर्ट पोएम में लिखी जाती है। जब कोई शॉर्ट स्टोरी शॉर्ट पोएम में लिखी जाती है और उसका जो कलेक्शन है वो इन्होंने प्रिल्यूड के नाम से पब्लिश किया, इसी को कहा जाता है विलियम शेक्सपियर। अगर विलियम वर्ड्सवर्थ की हम बात करें तो विलियम वर्ड्सवर्थ प्रिल्यूड के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि उसमें उनका बहुत पोएम्स का कलेक्शन है और जिसका नाम इन्होंने प्रिल्यूड दिया था। इज दैट क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप जॉन कीट्स। जॉन कीट्स हमारे पोइट्स थे और प्लस इन्होंने सबसे ज़्यादा क्या लिखे, ऑड लिखे। बस आप इस तरह से अपने को थोड़ा सा अपनी जो मतलब एक कहते हैं ना कीवर्ड्स को पकड़िए कि हमारा कौन सा पोइट किस बेस पर पोएम लिख रहा है, लिख रहा है पोएम तो उसकी थीम क्या है या उसने किस पर ज़्यादा फोकस किया। अगर हम जॉन कीट्स की बात करें यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जॉन कीट्स, तो जॉन कीट्स हमारे पोइट है प्लस ऑड इन्होंने सबसे ज़्यादा लिखे। क्या लिखे इन्होंने, ऑड सबसे ज़्यादा लिखे। पॉइंट जाहिर सी बात है पॉइंट तो है ही, लेकिन पॉइंट में इलेजी लिखी या फिर शॉर्ट पोएम्स लिखी या क्या लिखा, तो इसके अगर ऊपर बात हो तो इन्होंने ऑड लिखे, ऑड इनके सबसे ज़्यादा फेमस हैं। आप इस तरह से इसको कवर करेंगे। बात आती है पी बी शैली की। पी बी शैली ने हमारा जो लिखा तो वो इलेजी और प्लस ऑड लिखे, इलेजी सॉन्ग्स लिखे या फिर इन्होंने ऑड लिखे। आप इस तरह से इनको समझिए कि इन्होंने क्या लिखा, इलेजी लिखी या फिर क्या लिखे, ऑड लिखे। तो आप बात करेंगे अगर हम इसकी पी बी शैली की, तो इलेजी प्लस ऑड इन्होंने इस पर ज़्यादा फोकस किया। बात आती है मैथ्यू आर्नोल्ड की। मैथ्यू आर्नोल्ड ने क्या लिखा है भाई, मैथ्यू आर्नोल्ड ने आपकी पोएम लिखी है और प्लस इलेजी लिखी है, सबसे ज़्यादा इलेजी इनके लिखी गई है और बहुत ज़्यादा ये शोक गीत लिखते थे तो इनकी इलेजी लिखी गई है। और अगर हम बात करें थोड़ा सा, ये जो थे पेस्टोरल इलेजी के ज़्यादा फेवर में रहते थे, यानी देहाती जो पोएम्स थी या देहाती जो इलेजी थी उसको ज़्यादा लिखते थे पेस्टोरल
इलेजी की बात की जा सकती है इनके बारे में, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। तो हमारे जो मैथ्यू आर्नोल्ड है, अगर हम उनकी बात करें तो वो क्या है, पोएट है और प्लस इलेजी लिखी और पेस्टोरल इलेजी पर फोकस इनका ज़्यादा रहा, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। 7 नंबर पे आते हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने पोएम्स लिखी और इनका भी यही है कि प्लस इन्होंने इलेजी लिखी। क्या लिखा इन्होंने, पोएम्स तो लिखी हैं लेकिन साथ में इलेजी पर इनका भी ज़्यादा फोकस था, इन्होंने भी शोकगीत ज़्यादा लिखे हैं। नेक्स्ट बात आती है टी एस एलियट की। टी एस एलियट हमारे पोएट हैं और इनका भी फोकस ज़्यादातर इलेजी पर ही था, ये आप ध्यान दीजिएगा कि टी एस एलियट भी पोएट हैं और इनका भी फोकस किस पर था, इलेजी पर ही था। तो थोड़ा सा कैटेगरी अगर आप डिवाइड कर लेंगे, और मेरा ये हमेशा से मैं आपसे कहती हूँ कि मतलब याद करिए, पढ़िए, बहुत अच्छी बात है, स्टडी करिए, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जितना आपने पढ़ा है उसको डिवीज़न तो करके देखिए दिमाग के अंदर, या एक परफॉर्मा इस तरह का तैयार करिए कि आपका जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाए। आप चार्ल्स डिकेंस में और विलियम वर्ड्सवर्थ में कन्फ्यूज़ ना हो कि इनमें से नॉवलिस्ट कौन है और इसमें से पोएट कौन है। अगर आप इस तरह से कन्फ्यूज़ रहेंगे तो आप अपना जो एग्ज़ाम है, जो अपना पेपर है, उसमें अपने सामने बहुत ही डिफ़िकल्टीज़ फील करेंगे कि मैं कैसे सही ऑप्शन तक पहुँचूँ। लेकिन अगर आपने ये कैटेगरीज डिवाइड कर ली कि हमें कौन कौन से जो पोएट हैं उनको कवर करना है और प्लस उनका जो वर्क है उसे उस वर्क पे फोकस किस चीज़ पर था उस पॉइंट का, इस चीज़ को आप लिस्ट बना करके मेरे साथ ही इस वीडियो में तैयार कर लीजिए ताकि आपको इसका फ़ायदा पहुँचे। चलिए, टी एस एलियट भी पॉइंट थे और उन्होंने भी इलेजी लिखी। बात आती है कमला दास की। कमला दास भी एक पॉइंट थी और इन्होंने बस एक ही बुक लिखी थी जो इनकी ऑटोबायोग्राफी थी। क्या थी वो, इनकी ऑटोबायोग्राफी थी। उस ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था, माय स्टोरी। तो कमला दास भी एक पॉइंटिस्ट थी, इस तरह हम कह सकते हैं, पार्टिस थी, पोएम्स लिखती थी और प्लस माय स्टोरी नाम की इन्होंने एक बुक लिखी और माय स्टोरी इज़ द हर ऑटोबायोग्राफी, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी थी। अगर ये आता है तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर जो है कवर करिएगा, क्योंकि ये पूछा गया है कि माय स्टोरी जो है वो किसकी बुक है, तो आप कमला दास की, हालांकि कहने को तो वो पार्टिस है, लेकिन अगर हम बात करें तो माय स्टोरी उन्होंने बुक लिखी थी और वो उनकी ऑटोबायोग्राफी थी। चलिए, जो मेन पॉइंट था वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बात आती है, ये पोएट थे। वॉल्ट व्हाइटमैन, ये भी पोएट थे, मतलब इन्होंने सिंपल पोएम लिखी है, बहुत ज़्यादा इलेजी, मतलब मिक्स समझिए, इलेजी लिखी या एक सिंपल शॉर्ट पोएम्स लिखी, लेकिन इलेजी पर बहुत ज़्यादा फोकस इनका नहीं था, ये चीज़ है। नेक्स्ट आते हैं निसिम स्किल। ये एक ऐसे पोएट थे जो रियल लाइफ से रिलेटेड जो पोएम थी उनको लिखते थे, जैसे आपने पढ़ी होगी स्कॉर्पियन, तो स्कॉर्पियन रियल लाइफ से रिलेटेड पोएम है, इसी तरह की ये पोएम लिखते थे। इनकी थीम ही ये होती थी कि रियल लाइफ से रिलेटेड पोएम्स का कंपोजिशन करना, तो इसे आप इस तरह से करके फोकस करिए कि जो अगर निसिम स्किल की बात आ जाती है तो रियल लाइफ रिलेटेड पोएट थे, इस तरह करके आप इसको अच्छे से कवर करिएगा। चलिए, पॉइंट हमारे सारे कवर हो गए, जो हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है, जिस पर मैंने आज आपके साथ वही पॉइंट डिस्कस किए हैं। अब बात आती है नॉवलिस्ट की। नॉवलिस्ट की बात अगर हम करें कि हमें कौन कौन से नॉवलिस्ट कवर करने हैं, तो नॉवलिस्ट में आते हैं हमारे चार्ल्स डिकेंस, जो कि बहुत मोस्ट फेमस एंड पॉपुलर हमारे नॉवलिस्ट हैं और इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे नॉवल लिखे हैं चार्ल्स डिकेंस ने। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे चार्ल्स डिकेंस आते हैं। सेकंड पर आते हैं थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी नॉवल के राइटर भी थे एंड प्लस शॉर्ट स्टोरीज भी लिखते थे, तो जहाँ पे अगर शॉर्ट स्टोरीज की बात होगी तो मैं आपको इंडिकेट कर दूंगी। तो क्या लिखते थे ये थॉमस हार्डी, नॉवल भी लिखते थे प्लस शॉर्ट स्टोरीज भी हैं इनकी, इस तरह से आप याद करिए। अगर मान लीजिए ऐसा कहीं क्वेश्चन फंस जाता है कि थॉमस हार्डी की शॉर्ट स्टोरी क्या है, तो आप ये मत सोचिएगा कह रहे तो नॉवलिस्ट थे, इन्होंने शॉर्ट स्टोरी कहाँ से लिख दी। तो अगर आपको ये पता होगा कि नहीं इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हैं, तो आप अपने सही ऑप्शन तक पहुंच पाएंगे। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं जॉन गाल्सवर्थी। जॉन गाल्सवर्थी की बात करें तो ये भी नॉवलिस्ट थे। एक चीज़ और मैं बता दूं, देखिए जो भी नॉवलिस्ट हुए हैं तो उनके साथ शॉर्ट स्टोरी ऑटोमेटिकली जुड़ी हुई है। बहुत से ऐसे नॉवलिस्ट हैं जिन्होंने शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हैं, और कुछ तो नॉवलिस्ट ऐसे भी हुए हैं कि जिन्होंने शॉर्ट स्टोरी भी लिखी है और उन्होंने पोएम भी लिखी और प्लस नॉवल भी लिखे, लेकिन उन्हें फिर भी पहचान मिली नॉवलिस्ट के नाम से, फेमस हुए वो ज़्यादातर अपने किसी नॉवल के नाम से, तो उनका भी कैटेगरी हम नॉवलिस्ट में ही रखेंगे, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो बात आती है जॉन्स गाल्सवर्थी, ये भी नॉवलिस्ट थे। मुल्क राज आनंद, ही वॉज द इंडियन राइटर, ये भी नॉवलिस्ट हैं हमारे। मुल्क राज आनंद वॉज द नॉवलिस्ट एंड ही वॉज द इंडियन राइटर, इसको आप बहुत अच्छे से
ध्यान रखिएगा, नाम से ही पता चल रहा है मुल्क राज आनंद। ठीक, नेक्स्ट आता है अर्नेस्ट हेमिंग्वे। अर्नेस्ट हेमिंग्वे भी हमारे नॉवलिस्ट है प्लस शॉर्ट स्टोरीज राइटर भी थे। तो क्या है, ये नॉवलिस्ट भी हैं और प्लस शॉर्ट स्टोरीज राइटर भी हैं। क्या है, अर्नेस्ट हेमिंग्वे। नंबर 7 है विलियम फॉल्कनर। विलियम फॉल्कनर हमारे बहुत फेमस नॉवलिस्ट हैं, नोबेल प्राइज से भी जो है इनको मिला हुआ है। तो इसलिए ये नॉवलिस्ट है प्लस शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। इस चीज़ को आप अगर कवर कर लेते हैं, इस तरह कैटेगरीज डिवाइड कर लेते हैं, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, ख़ास तौर से वहाँ एक क्वेश्चन को पहचानने में कि नॉवल कौन सा है, पोएम कौन सी है, शॉर्ट स्टोरी कौन सी है, कौन सा हमारा जो है पोएट है, और पोएट के अकॉर्डिंग उसकी कौन सी पोएम हो सकती है, प्लस नॉवलिस्ट के अकॉर्डिंग उसके कौन से नॉवल हो सकते हैं। अगर कोई नॉवल आता है, जाहिर सी बात है, 3 पोएट का नाम उसने दे दिया, चौथे आपके नॉवलिस्ट का नाम दे दिया, तो अगर कैटेगरी आपकी डिवाइड होगी तो आप ये तो पहचान लेंगे भाई ये तो 3 पोएट है, क्योंकि तो हम पढ़ के आए हैं 3 पोएट। मान लीजिए उसने विलियम वर्ड्सवर्थ दे दिया, जॉन कीट्स दे दिया, पी बी शेली दिया, एंड 4th नंबर पे उसने दे दिया आपको थॉमस हार्डी। अब जाहिर सी बात है नॉवेल थॉमस हार्डी ने लिखे हैं, तो अब आपसे अगर कोई नॉवेल पूछा जाता है या हु वाज द अमंग नॉवलिस्ट पूछा जाता है, इस तरह करके क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप बहुत आराम से उसका आंसर दे पाएंगे कि थॉमस हार्डी इज द नॉवलिस्ट। इस तरह करके आप तैयारी करिए, जाहिर सी बात है जब आप कैटेगरी डिवाइड कर लेंगे तो आपका कन्फ्यूज़न कम हो जाएगा, और आप कहीं से भी क्वेश्चंस को देख करके जो है वो अपने ऑप्शन तक पहुंचने में डिफ़िकल्टीज फील नहीं करेंगे। चलिए, अर्नेस्ट हेमिंग्वे नॉवलिस्ट है प्लस शॉर्ट स्टोरी है, विलियम फॉकनर नॉवलिस्ट है प्लस शॉर्ट स्टोरी है, और सिर्फ आपके इस सिलेबस में एक ही असिस्ट को रखा गया है। इस पे आप बहुत ज़्यादा फोकस करिएगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं चार स्लैम से। चार स्लैम का ये समझ लीजिए कि इनके, क्योंकि एक ही असिस्ट है, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि इन असिस्ट को, चार स्लैम के जितने भी एसेज हैं, ढंग से पढ़ के जाइए, कौन से एसे इन्होंने लिखे, कितने एसे लिखे, कौन सा किस बेस पर था, थीम क्या थी, कब कौन सा एसे पब्लिश्ड हुआ, तो ये वर्क इनका बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है, और इस पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ये भी आपको जो है कवर करना है। वैसे आपने काफ़ी तैयारी कर ली होगी, क्योंकि आप देखा जाए तो एग्ज़ाम बहुत दूर नहीं है हमारा TGT का 7 या 8 अगस्त में जब भी हमारी डेट आती है, अब जब भी हमारा नंबर आता है, यानी कि इंग्लिश वालों का 7 अगस्त भी हो सकती है, 8 अगस्त भी हो सकती है, और इसी तरह उधर हमारा जो PGT का एग्ज़ाम है वो 17-18 में लगा है। तो उस हिसाब से आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए और वर्क को डिवाइड करके पढ़ेंगे, आसानी से कम टाइम में ज़्यादा तैयारी कर लेंगे, जैसा कि मैंने आपको आज ये डिवीज़न करने का तरीका आपको बताया। अगर आप चाहें तो आप इसी तरह से और भी अच्छे से डिवीज़न करके इसको कवर कर सकते हैं। अगर आप इसके अंदर कुछ और डालना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए विलियम शेक्सपियर के ही हैं, विलियम शेक्सपियर का हमें पता है सोनेट है प्लस प्ले है, तो इनके जो इम्पोर्टेंट सोनेट है उनका नाम आगे लिख लीजिए, और जो इनके इम्पोर्टेंट प्ले हैं उनका नाम आगे लिख लीजिए। अगर याद करने में आपको कहीं से भी कोई दिक्कत फील हो रही है, तब आपके लिए बहुत अच्छा तरीका है इस तरह से याद करने का और कन्फ्यूज़न से बचने का, क्योंकि कन्फ्यूज़न से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप लिस्ट बना के तैयारी करें। चलिए, इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, और अगर हो सके तो मेरे साथ ही आप जो है राइट डाउन कर लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ताकि आपको आसानी रहे। चैनल को छोड़ने से पहले, वीडियो पे से जाने से पहले, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, ताकि इसी तरह अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर मैं आपके सामने फिर से एक नई वीडियो में प्रजेंट होंगी नेक्स्ट टाइम। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।